हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। जैसा पता है कि इस वर्ष डिग्री कॉलेज ने अपने कट ऑफ जारी कर दी है 25 नवंबर 2020 के लिए, और जो जो एक कट ऑफ निकल का है वो आई है बीए बीएससी बीकॉम और बी वॉक के लिए। तो सबसे पहले अगर बात करें बीएससी मैथ की क्या कट ऑफ निकल के आई है, तो जन तरीके बीएससी मैथ की जो कट ऑफ निकल के आई है वो आई है ओबीसी वालों की अगर बात करें तो वो आई है 100। इसका टोटल स्कोर आपका 100 इससे ज़्यादा है तो आप अपनी कौन सी क्लास सकते हैं इस वर्ष डिग्री कॉलेज में 25 नवंबर 2020 के लिए। अगर आप एससी कैंडिडेट तो एससी अगर हैं तो एससी वालों की आई है 90 कट ऑफ, और अगर एसटी की बात है एसटी ऑल कैंडिडेट को बुला लिया गया है। अगर नेक्स्ट बात करें बीकॉम की क्या कट ऑफ निकल गई, तो जानते हैं बीकॉम की जो कट ऑफ निकल गई है वो ईडब्ल्यूएस वालों की आई है 130। इसका टोटल स्कोर आपका 130 है या इससे ज्यादा है तो आप अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। अगर आप एससी कैंडिडेट हैं तो एससी कैंडिडेट की आई है 20 और एसटी ऑल एपियर्ड कैंडिडेट को बुला। नेक्स्ट अगर बात करें कि बीए की क्या कट ऑफ है, तो जानते हैं कि बीए की जो कट ऑफ है वो ऑल कैटेगरी का आई है 100। इसका टोटल स्कोर आपका 100 या इससे ज्यादा है तो आप अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं इस वर्ष डिग्री कॉलेज में 25 नवंबर 2020 के लिए। अगर हम एसटी कैंडिडेट की बात करें, एसटी ऑल एपियर्ड कैंडिडेट को बुला लिया गया है। अगर नेक्स्ट बात करें बीवॉक की, तो जानते रहिए जैसे हमेशा की तरह जो बीवॉक कट ऑफ है, अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं और आपने अप्लाई किया है बीवॉक के लिए तो आप अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं इस वर्ष डिग्री कॉलेज में 25 नवंबर 2020 के लिए। तो ये हमारी क्या है कट ऑफ है इस वर्ष डिग्री कॉलेज की 25 नवंबर 2020 के लिए। मे बी तो आपके यहाँ सारी चीज़ क्लियर हो गई होंगी। अगर सारी चीज क्लियर हो गई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।